हेलो एवरीवन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू आप लोगों का स्वागत है टीचर्स अड्डा के ट्वेंटी फोर सेवन यूट्यूबलेन में मेरे साथ और मैं हूं निधि शर्मा और यहां था मेरा इंट्रोडक्शन और कल की क्लास नहीं हुई थी इसके साथ ये भी एक डिस्क्लेमर तो कल की क्लास ना होने की कुछ वजह रही थी कुछ एमरजेंसी हो गई थी मेरे साथ जो कि बहुत फ़नी है और मैं ऑफिस के टाइम पर नहीं पहुँच पाई थी तो यही रीजन था कि क्लास जो थी वो मुझे कल की उसको प्राइवेट करवाना पड़ा और आज की जो क्लास है उसी में हम कंटिन्यूशन कर रहे हैं अपने सोशल वर्क के टॉपिक्स का अब हम लोग कुछ दिन सिर्फ सोशल वर्क के टॉपिक्स जो है उसी के ऊपर फोकस करेंगे ताकि अब एक ग्लिप्स मिल जाए सोशोलॉजी बहुत दिन से देख लिया कि क्या है सोशोलॉजी के अंदर क्या आया था दो के पेपर के अंदर ठीक है लेकिन अब सोशल वर्क का जो कंसेप्ट है यहाँ पर बहुत सारे महारती हैं जो कि हार मान जा रहे हैं बिकॉज़ कुछ सोशोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं जो कह रहे हैं कि मैम समझ ही नहीं आ रहा आप जो टॉपिक इसमें देख रहे हो तो कभी ज़िंदगी में देखे ही नहीं है तो इसीलिए आज उन एक्सपेरियंट्स की भी मुझे बहुत नीड होगी जो सोशल वर्क के बैकग्राउंड से हैं बिकॉज़ आंसर देने के लिए जो सही आंसर्स हैं वो अब सोशल वर्क के स्टूडेंट्स की साइड से ज़्यादा आएंगे और दूसरी बात ये भी कि कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस बहुत कॉमन सेंस वाले भी हैं तो आपको बाइफकेट करना है कि आप कौन कौन सी चीज़ों में कर सकते हैं ठीक है हेलो प्रतीक हेलो आस्क मलिक गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग शिवानी तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हम लोगों ने अपनी क्लास में पहले बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं किया था आज का मेरे पास इस क्वेश्चन के इस पीपीटी के अंदर अप्रॉक्स 15 क्वेश्चंस थे जो तो मैंने मैं बनाए थे और मेरा टारगेट था उस पिछली क्लास में कि मैं इन सबको पूरा करूं लेकिन नहीं हो पाया था उस टाइम पर तो आज की क्लास में हम सारे क्वेश्चन को पूरा करेंगे तो आप लोगों को ये पी जो है ये हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है उसके ऊपर अपलोड हो जाएगी साथ में एक्सप्लनेशनस भी हैं कहीं ना कहीं इसके अंदर तो मैं अनोटेशन सेव कर दूँगी ताकि आपके पास पी फॉर्म के अंदर ये अंदर सारी PDF आ जाए ठीक है तो लास्ट जो हमारा क्वेश्चन हुआ था वो ये था था क्वेश्चन जिसके अंदर आपसे ये पूछा गया हेलो मिस्टर प्रेम यादव द स्टडी ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट इज कॉल्ड तो उस टाइम पे कुछ इंटरप्शन हो गए थे आंसर हालांकि बता दिया गया था पर फिर भी एक्सप्लेनेशन जो था वो काफी अच्छा नहीं हुआ था इसका हेलो जितेंद्र जी गुड मॉर्निंग तो यहाँ पे आपसे ये पूछा गया था कि मुख्य रूप में मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के विकास के माध्यम से व्यवहार और क्षमताओं के मापन के अध्ययन को कहा जाता है क्या कहा जाता है तो आप यहाँ पे आपसे सिंपली जो चीज़ पूछी जा रही है बहुत स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हुए थे और यहाँ पे साइकोलॉजिकल टेस्ट लिखा हुआ है ठीक है जो कि एक की मैंने आपको बताया था ठीक है यानी कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण जिसको आप कहेंगे यहाँ पे मुझे दूसरे कलर का पेन चाहिए ठीक है तो इसका आंसर जो था एक बार वापस से मुझे बता दो कि क्या दिया गया था मैंने क्या बताया था अगर किसी को याद होगा तो कि साइकोलॉजिकल टेस्ट की हम जब भी बात करते हैं तो हम किस तरह से कौन से आ, प्रोसेस को यहाँ पे चूज करते हैं वो प्रोसेस रीजनिंग होता है किसी चीज का रिकग्निशन होता है कि आप किसी चीज की मान्यता ले रहे हो तीसरा आपका साइकोमेट्रिक होता है और चौथा आपका साइकोडायनामिक तो प्रकाश जी का आंसर आया सी थैंक यू फॉर रिटेनिंग दिस इन्फॉर्मेशन तो पहली बात एक छोटी सी ये समझना ठीक है आपको एक्सप्लेनेशन में अगली स्लाइड में पहले भी दिखाऊंगी साइको प्लस मैट्रिक्स मैट्रिक्स क्या होता है किसी भी चीज का मेजरमेंट अगर आपकी वोकेबलरी अच्छी है अगर आप ये जानते हो कि वर्ड्स को ब्रेक करके आप क्या मीनिंग निकाल सकते हो तो आप क्वेश्चन के आंसर बिना कंसेप्ट की अगर आपको क्लैरिटी भी नहीं है तो कहीं ना कहीं दस में से छह क्वेश्चन तो आप सही कराओगे ठीक है तो यहाँ पे साइकोमेट्रिक का मतलब यही होता है कि साइकोलॉजिकल मेजरमेंट की बात हो रही है मेजरमेंट आप किसकी हेल्प से करते हो टेस्ट की हेल्प से करते हो ठीक है तो यहाँ पे इसका मतलब है कि साइकोमेट्रिक इज इक्वल टू साइकोलॉजिकल टेस्ट तो हम लोग देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या था जो मैंने आपको तब बताया था तो यहाँ पे आपको चारों चीज़ों का एक्सप्लेनेशन दे रखा है रीजनिंग है रीजनिंग में आप लोग हमेशा किसी भी एक पर्टिकुलर कंक्लूजन को ड्रॉ करने की कोशिश करते हो या तो आप स्पेसिफिक टू जनरल जाते हो या जनरल टू स्पेसिफिक जाते हो उसमें तो आपको याद होगा कि मैंने इसमें इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग के बारे में बात करी थी और कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे रिसर्च से रिलेटेड भी है रिसर्च जो है एक सोशियोलॉजी का भी बहुत क्रुशल पार्ट है सोशल वर्क का भी बहुत क्रुशल पार्ट है और क्रिमिनोलॉजी का भी बहुत क्रुशल पार्ट है पर अगर हम यहाँ पे देखें तो हम सोशल रिसर्च के ऊपर फोकस कर रहे हैं ठीक है तो उसके रिलेटेड भी क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे ओके सेकंड है आपका यहाँ पर रिकॉग्निशन किसी भी चीज़ को रिकॉग्नाइज करना या एक्नॉलेज करना या पहचानना कि कोई भी चीज़ अगर पहले हुई थी अगर वो दोबारा किसी के साथ हो रही होगी तो इंसान पहचान जाएगा कि क्या रिजल्ट उसका निकल सकता है क्या उसका कंक्लूजन आ सकता है तो ये आपका रिकॉग्निशन होता है नाउ लेट्स कम टू द आंसर जो हमारा साइकोमेट्रिक था साइकोमेट्रिक टेस्ट जो होते हैं आपके हमेशा साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं यानी किसी की क्षमता को जानने के लिए किसी के अंडरलाइन इश्यूज क्या है किसी को क्या परेशानी है किसी का पर्सनालिटी कैसा है ये सब चीजें जो हैं हम यहाँ पर साइकोमेट्रिक की हेल्प से जान सकते हैं तो यहाँ पे काफी स्टूडेंट्स ने आईक्यू का एग्जाम्पल दिया था आईक्यू की जगह अब ईक्यू का भी एग्जांपल है सो व्हिच इज इमोशनल कोशेंट ठीक है साथ ही साथ मैंने आपको कुछ टेस्ट बताए थे जैसे कि एक था इंक ब्लॉट टेस्ट ठीक है और साथ में पिक्चर परसेप्शन टेस्ट अगर यहाँ पे कोई स्टूडेंट होगा जिसने एसएसबी का एग्जाम कभी दिया होगा तो उनको पता होगा कि वहाँ पे पिक्चर परसेप्शन टेस्ट जो है वो होता है कि आपको एक पिक्चर दिखा दी जाएगी या तो आप उस पिक्चर के बारे में क्या सोचते हैं आपसे ये पूछा जाएगा या फिर आपको कोई एक सिनेरियो दिखा करके कि मान लीजिए कोई महिला खड़ी है ठीक है वो बहुत ही उदास दिख रही है उसके आगे बहुत सारे लोग खड़े हैं जो कि भीड़ इकट्ठी हो रखी है फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई पिक्चर आपके सामने आ जाता है और आपको बोल दिया जाए कि आप इस इसमें पूरी स्टोरी लिखो तो वो स्टोरी में अगर आप इस तरह की चीज़ें लिखते हैं कि आ, वो लेडी बहुत उदास है या कुछ नेगेटिव हुआ होगा उसके साथ तो वो कहीं ना कहीं आपके अंडरलाइन इश्यूज में एक नेगेटिव आपकी जो सोच है वो दिखाता है कि कहीं ना कहीं नेगेटिव कुछ चीज़ें हैं जो आपकी स्टोरी के अंदर रिफ़्लेक्ट हो के आ रही हैं तो ये सारे के सारे जो आपके टेस्ट हैं ये साइकोमेट्रिक के अंदर ही आ जाते हैं जो कि आपके साइकोलॉजिकल इशूज़ को एड्रेस करने में हेल्प करते हैं ठीक है उसके बाद है नेक्स्ट आपका साइको डाइनामिक. पिछली क्लास में कुछ स्टूडेंट्स ने साइको आंसर दिया था तो मैंने ये बात क्लियर की थी कि साइको मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है अभी तक हम लोग कम से कम छः से सात बार साइको के ऊपर क्वेश्चंस देख चुके हैं चाहे वो जनरल पेपर में भी हो ठीक है तो साइको डायनामिक्स सिंपली आप उसको किस की वर्ड के साथ एसोसिएट करोगे वो है आपका अनकॉन्शियस प्रोसेस यानी कि जिन प्रोसेस के बारे में आपको नहीं पता है कि ऐसी कोई चीज़ भी आपके दिमाग में एग्जिस्ट कर रही है ना जानते हुए भी कोई चीज़ें आपके डेली लाइफ के ऊपर या आपके बिहेवियर के ऊपर असर डाल देती हैं वो सारा जो प्रोसीज़र है कि अंडरलाइंग इशू क्या है किसी भी एक इंसान के बिहेवियर के पीछे ठीक है जो वजह छुपी हुई है जो हमें दिख नहीं रही है और जो हमें दिख नहीं रहा है वो उस इंसान को भी नहीं दिख रहा है तो वो हाल बिल्कुल ही अनकॉन्शियस प्रोसेस हो जाएगा जो कि नहीं पता है यही रीज़न है कि उसके लिए हम लोग साइको अप्रोच जो है उसको यूज़ करते हैं और साथ ही साथ एग्जाम फ्रोयड का नाम जो है वो भी इसके साथ जोड़ लीजिए तो अपने आप जो भी शॉर्ट नोट्स बताए बनाएंगे साथ में ये भी लिखिएगा कि कौन सा प्रोसेस किसने दिया है ठीक है कौन से प्रोसेस के साथ कौन सा कीवर्ड जुड़ा हुआ है ओके अब इस क्वेश्चन के ऊपर और टाइम ना लगाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि हमारा बेसिकली एक रिसर्च का क्वेश्चन है <coughs> ये हिंदी एक्सप्लेनेशन है काफी स्टूडेंट्स के लिए तो एक जो था हमारा रीजनिंग था ठीक है जिसके अंदर आप अनुमान लगाते हो या कंक्लूजन को ड्रॉ करते हो निष्कर्ष निकालने के लिए यूज करते हो मान्यता आपका रिकोगेशन कि आपके सामने कोई ऐसी चीज आ गई जिसको आप पहचान पाओ क्योंकि वो पहले भी हो चुकी है आपके साथ ठीक है साइकोमेट्रिक के अंदर आपको भी पता लग चुका है कि मनोवैज्ञानिक माप जो है टेस्ट जो है वो सारे के सारे आपके इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं साइको डायनामिक जो है किसी एक पर्सन के बिहेवियर के ऊपर पूरी प्रोसेस की बात करता है ठीक है नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन मैम प्लीज टेल मी नंबर मिनटर सोशलॉजी मनजीत जी आपने एक मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या लिख रहे हो वेलफेयर ऑफिसर का पेपर सोशलॉजी के बाद मुझे नहीं समझ आया uh, एक बार दोबारा से टाइप कर दीजिए प्लीज़ कि क्या कह रहे हैं आप ठीक है सेवेंथ क्वेश्चन को देखिए ये सोशल रिसर्च से क्वेश्चन है हमारा और मैंने इसको जानबूझ के यहाँ पे इंक्लूड किया है कुछ क्वेश्चंस रिसर्च के भी आएंगे ही सोशल वर्क के अंदर हालांकि आप इसको अलग से भी हम लोग देखेंगे बट इसके हिसाब से आप बताइए क्योंकि अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पर एक ऐसा टारगेट ग्रुप लिया गया है जो कि सोशल वर्क के अंदर बहुत प्रोमिनेंट है हम उसको स्टडी करते हैं उनकी हेल्प करते हैं सोशल वर्क की हेल्प से ठीक है तो डैश सैम्पलिंग इज़ यूज़फुल इन स्टडिंग द साइको सोशल इश्यूज़ फेस्ड बाई एल्कोहल डिपेंडेंट्स डैश नमूनाकरण खराब पर शराब पर निर्भर लोगों द्वारा सामना किए जाने वाले मनोवैज्ञानिक सामाजिक मुद्दों का अध्ययन करने में उपयोगी होता है आपके पास चार तरह की यहाँ पे सैम्पलिंग टेक्निक्स दे रखी हैं, ठीक है क्वेश्चन भले ही एक सोशल वर्क के इश्यू को लेकर के आया है पर आप समझ सकते हो कि किस तरह से जो रिसर्च है वो हमारे सोशल वर्क के अंदर काम आता है जब आप फील्ड पर काम करने के लिए जाते हो तो आंसर यहाँ पे आया है स्नो ठीक है स्नोबॉल सैम्पलिंग तो स्नोबॉल सैम्पलिंग के लिए मैंने एक और नाम बताया है तो so, वो नाम क्या हो सकता है uh, मैंने क्या नाम बताया था कि स्नोबॉल सैम्पलिंग सैंपलिंग को और क्या कहा जाता है एक बार इस चीज का भी यहाँ पे आप लोग रिस्पॉन्स दे दीजिए सिर्फ सोशियोलॉजी के स्टडी पर पेपर जो है वो नहीं हो पाएगा आपको ये समझना पड़ेगा जो क्वेश्चंस हैं वो मिक्स आते हैं सोशल वर्क से भी आते हैं क्रिमिनोलॉजी से भी आते हैं और दूसरी बात ये कि जो सोशलॉजी है उसका पार्ट मेजर है इस एग्ज़ाम में विच इज़ ट्रू बट उस सोशोलॉजी के पार्ट के अंदर सोशल वर्क के भी कुछ इश्यूज जा रहे हैं ठीक है थीके? कुछ क्रिमिनोलॉजी के भी जा रहे हैं तो आपको बाइफोकेशन तो पता होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट के कौन कौन सा इशू है ठीक है चेन सैम्पलिंग इसका नाम है ठीक है uh, प्रकाश झा जी नेटवर्क इज ऑल्सो यू कैन से बट लेकिन फॉर्मली हम लोग चेन सैम्पलिंग जो वर्ड है उसको यूज कर सकते हैं चेन का मतलब आप लोग समझ सकते हो अगर कोई भी एल्कोहल डिपेंडेंट पर्सन है तो क्या वो सामने आकर के इस बारे में बात करना चाहेगा कभी भी कि उसको क्या इश्यू है वो नहीं करना चाहेगा यही रीजन है कि स्नो बॉल सैंपलिंग या चेन सैम्पलिंग के आधार पर हम लोग एक रिस्पोंडेंट को आइडेंटिफाई करते हैं मान लीजिए कि आपको एक रिस्पोंडेंट मिल गया ऐसा जिस जो कि अल्कोहल डिपेंडेंट पे है जिसका जिसको शराब की आदत है और वही पर्सन बता रहा है कि उसका भी कोई दोस्त है जिसको अब शराब की आदत है फिर हम उसके थ्रू कहीं और जाएंगे तो एक चेन चेन जो है बनती चली जाएगी इसीलिए इसको चेन सैम्पलिंग भी कहा जाता है और उसके साथ साथ अगर आप लोग बात करोगे स्नो बॉल सैंपलिंग की तो स्नोबॉल सैम्पलिंग इज समथिंग अगर आप स्नो बॉल को लाइक एक बर्फ के गोले को आप फेंकोगे बर्फ के अंदर तो वो आगे जाके बड़ा होता चला जाएगा बिकॉज वो और बर्फ इकट्ठी करता रहेगा ठीक है तो उस केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपका कोई रोल नहीं है ढूंढने में यहाँ पे जो आपने रिस्पोंडेंट सबसे पहले ढूंढा है वही आपको दूसरे रिस्पोंडेंट के पास लेके जाएगा और दूसरा रिस्पोंडेंट आपको तीसरे रिस्पोंडेंट के पास लेके जाएगा इसीलिए कोटा सैंपलिंग आंसर नहीं हो सकता इसका कोटा सैम्पलिंग के अंदर आप जाके कोटा बना रहे हो ठीक है आप पर्पजिवली उसको चूज कर रहे हो लेकिन यहाँ पे हम स्नोबॉल तब यूज़ करते हैं जब कोई अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करवाना चाहता तो यहाँ पे ड्रग एडिक्ट्स हो गए या फिर अल्कोहल डिपेंडेंट्स हो गए वो कभी भी आके आपको नहीं बताएंगे कि वो एडिक्ट्स हैं इन चीज़ों के उनको नशे की आदत है ठीक है यही रीज़न है कि स्नोबॉल सैम्पलिंग इसका आंसर होगा और यही रीज़न था कि इस क्वेश्चन को यहाँ पर लाया गया आपको टेक्निक पता होनी चाहिए साथ साथ क्यों ये पर्टिकुलर टेक्निक ही यहाँ पे इस पर्टिकुलर टारगेट ग्रुप के लिए यूज हो रही है क्योंकि अगर आपको नहीं पता होगा कि एल्कोहल डिपेंडेंस का जो इशू है वो क्या होता है तो आप उस केस के अंदर को, कोटा सैम्पलिंग है पर्पजिव लगवा देते पर्पजिव भी लगा सकते थे आप लोग राइट <coughs> <coughs> कोटा सिंपल है एस टी मनजीत सिंह जी यहाँ पे उस कोटा की बात नहीं हो रही है जहांगीर सैम्पलिंग चेन सैम्पलिंग लाइक like ड्रग एडिक्ट के ऊपर भी सेम चीज़ अप्लाई होती है एग्जैक्टली exactly, कोई भी एडिक्ट होगा लाइक अल्कोहल एडिक्ट है ड्रग एडिक्ट है सब एक ही में सब्सटेंस अब्यूज का इशू ले लीजिए उसमें ये सब चीज़ें आ जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट सो वन ऑफ द फेजिस थ्रू विच टास्क ग्रुप टेन टू प्रोसीड वेन एंगेज इन डिसीजन मेकिंग उन चरणों में से एक चरण जिसके माध्यम से कार्य समूह निर्णय लेने में आगे बढ़ता है ठीक है मैं आपको बताऊंगी कि ये कौन से टॉपिक का पार्ट है कहाँ से आपको मिलेगा ये तो इसका आंसर बताइए मंजीत जी कोटा सैम्पलिंग जो है उसको मैं अभी इस क्लास में नहीं पढ़ा रही हूँ मैंने अपनी पहले की क्लासेस में पढ़ाया है बट कि कोटा सैम्पलिंग में सैंपलिंग के अंदर क्या आता है उसको रेफर कर लीजिएगा बिकॉज अभी क्वेश्चन जो है वो हमें स्टार्ट करने हैं पी जी जी कब से स्टार्ट होंगे तो अल्टीमेटली द थिंग दैट इज़ गोइंग टू हैपन नाउ कि चार दिन हमारी वेलफेयर ऑफिसर की क्लासेस हुआ करेंगी यूट्यूब पे और दो दिन जो है पी जी की हुआ करेंगी मेरे पास पेपर है डिट्रिपल एस का जिसके डिस्कशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे तो नेक्स्ट वीक में मोस्ट uh, प्रबेबली जो है स्टार्ट हो जाएगा और डेज डिसाइड हो जाएंगे आपको मंडे तक इसकी जो है जानकारी मिल जाएगी ठीक है क्योंकि मैं अभी ऑनेस्टली बताऊं आपको तो मेरे पास और दो यूट्यूब की क्लासेस है दो पेड बैचेस चल रहे हैं एक नया पेड बैच और आ रहा है तो उसके अलावा इतना टाइम अब नहीं है कि हम लोग यूट्यूब पे और डेडिकेट कर पाऊं मैं ठीक है तो इसीलिए मैं वेलफेयर ऑफिसर और पी सोशियोलॉजी को बाइफोकेट कर रही हूँ यहाँ पर ठीक है आंसर आ रहा है बी 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 वेरी नाइस वेरी नाइस ग्रेट कम्युनिकेशन तो अगर कोई भी निर्णय लेना होता है जनरल क्वेश्चन था बहुत ज़्यादा जो कि मैंने कहा था कि कुछ क्वेश्चन आप देखोगे तो कुछ आपको बहुत जनरल क्वेश्चन मिलेंगे तो कम्युनिकेशन के थ्रू ही आप किसी भी चीज़ को रिजॉल्व कर सकते हो किसी चीज़ का सल्यूशन निकाल सकते हो तो येस अगर कोई भी ग्रुप के अंदर काम कर रहा है टास्क ग्रुप जिसके बारे में मैंने आपको पहले की क्लास में बताया था कि क्या होता है ठीक है तो उसके अंदर अगर उन लोगों को कोई भी टास्क कंप्लीट करना है कोई भी उद्देश्य अपना पाना है एम अचीव करना है तो उनको उस केस के अंदर कम्युनिकेशन करना पड़ेगा ताकि वो किसी एक सल्यूशन तक पहुंच ओके और कम्युनिकेशन के अंदर ही सारे के सारे आपके टेक्निक्स आ जाते हैं ग्रुप डिस्कशन का भी ब्रेनस्टॉर्मिंग का भी ठीक है तो ये यहां पे आपका आंसर हो गया कम्युनिकेशन ओके नेक्स्ट चलते हैं जीपी सोशियोलॉजी आप अपना प्रमोशन कर रहे होगे यहाँ पे नेट जेआरएफ एनपीजीटी ऑल से देख लो सर भाई इनको भी देख लो यहां पर क्वेश्चन नंबर नाइन्थ इज अ बेसिक एंड एसेंशियल टूल ऑफ सोशल केस वर्क प्रैक्टिस पिछला जो क्वेश्चन था आपका वो सोशल ग्रुप वर्क के ऊपर था ठीक है और ये वाला क्वेश्चन है आपका सोशल केस वर्क के ऊपर तो अब आप लोग समझ चुके होंगे कि सोशल वर्क के अंदर आपको सबसे ज्यादा इंडिविजुअल वर्क जो हो गया सोशल इंडिविजुअल वर्क ठीक है ग्रुप वर्क केस वर्क इन के ऊपर बेसिक से स्टार्ट करना है <coughs> आप स्टूडेंट हो अरे आपका नाम ऐसा है ना जीपी सोशियोलॉजी नेट जी आर एफ एंड पीजी आपका नाम ही ऐसा है कि कोई भी यहाँ पे यही सोचेगा कि आप लोग प्रमोशन कर रहे हैं ओके okay, आंसर आ रहा है ए ट्रेंडिंग स्टफ इज सिंग लिसनिंग और कोई अच्छा एम ए फर्स्ट ईयर में आप अभी ओके पूजा कुमारी सी प्रकाश झासी वाह अभी यहाँ पे फिफ्टी फिफ्टी हो गया है ठीक है तो यहाँ पे पहली बात तो क्वेश्चन में क्या लिखा है बेसिक एंड एसेंशियल टूल ठीक है बेसिक और एसेंशियल टूल की बात हो रही है ये रीज़न है कि अब कुछ स्टूडेंट्स यहां पे कह रहे हैं कि लिसनिंग होगा कुछ कह रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग होगा ओके तो मेजॉरिटी में आंसर जो है सी आ रहा है जितेंद्र कुमार जी आउट ऑफ द ब्लू जा करके नोइंग बोल रहे हैं नोइंग नहीं होगा इसका आंसर पहली बात तो मैं इसको हटा ही देती हूँ इसको ठीक है साइलेंस भी आंसर नहीं है आंसर ए या बी में से ही है जो कि आप अल्टीमेटली अगर बोलेंगे तो आंसर जो है अंडरस्टैंडिंग है क्योंकि लिसनिंग जो है वो तो आप कर रहे हो लिसनिंग आप दुनिया भर की कर सकते हो फील्ड वर्क में जाकर के लेकिन जब तक आप उसको समझोगे नहीं कि एक्चुअल इशू क्या है जो आपको एड्रेस करना है तब तक आप ना तो किसी प्रोग्राम को डिजाइन कर सकते हो ना किसी प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स को बना सकते हो तो इसीलिए सोशल केस वर्क प्रैक्टिस के अंदर आपका जो आंसर है यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग होगा ठीक है समझ प्रतीक यादव जी आप भी सुनना बोल रहे हो आप तो खुद सोशल वर्क से हैं आपको तो पता होगा ये भी नहीं है आंसर ठीक है टेंथ क्वेश्चन यहाँ पे टेंथ क्वेश्चन जो है पिछले वाला क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा सिक्वेंशियल था ये क्वेश्चन जो है ये काफी कंपेरेटिवली फिर भी इजी है सो वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की लीडरशिप एट्रीब्यूट निम्नलिखित में से एक प्रमुख नेतृत्व की विशेषता नहीं है ठीक है तो आपसे लीडरशिप एट्रीब्यूट्स के बारे में पूछा है तो लीडरशिप एट्रीब्यूट्स होते हैं ठीक है इनमें से कौन सा है जो लीडरशिप एट्रीब्यूट में से कौन सा है जो कि यहाँ पे नहीं एग्जिस्ट करता है ठीक है नॉट अ की लीडरशिप एट्रीब्यूट Prakash Jha is saying D, ability to sympathize. Manjeet Singh Atri is saying C, ability to retain good people. Anybody else? C, C, D, D, C. पहली बात तो सिंपथाइज जो है वो आंसर होगा इसका ठीक है सिंपथाइज तो होगा आंसर ये सही है अब सही सही की बात हो रही है नॉट की बात हो रही है मैं बोल रही हूँ कि लीडरशिप एटीट्यूड के अंदर एट्रीप्यूट के अंदर आपका जो डी है एबिलिटी टू सिंपथाइज ठीक है और सबसे पहली चीज़ कि एबिलिटी टू लिसन जो है वो अल्टीमेटली किसी भी एक लीडरशिप का एट्रीब्यूट होता ही होता है उनको सुनना पड़ेगा क्यों ताकि वो एक इफ़ेक्टिव टीम जो है उसको बिल्ड कर सके ठीक है एंड देन द एबिलिटी टू रिटेन गुड पीपल के अंदर अगर मैं आपको बोलूँ कि uh, आपको एम्पथी के बारे में पूछा जा रहा है ठीक है सिंपथाइज के साथ साथ एम्पथाइज भी है अगर अगर मैं यहाँ पे एम्पथाइज लिखती तो क्या आंसर होता अब इन दोनों में डिसाइड करना है हमको अगर मैं ये बोलती कि क्या एम्पथी लीडरशिप एट्रीब्यूट का पार्ट है तो आप लोग यस yes बोलोगे या नो no बोलोगे तब सी होता ओके ओके, ठीक है करेक्ट जो आपका एबिलिटी टू रिटेन पीपल है वो भी आपका इसमें लीडरशिप एटीट्यूड के अंदर आता है सिंपथाइज नहीं आता यही रीज़न था कि आपको जब ईक्यू के बारे में पढ़ाया गया था कि इमोशनल जो भी फैक्टर्स होते हैं उसके अंदर आपका एम्पेथी आता है और एक सिंपथी आता है अगर आप हर किसी के साथ एज अ लीडर सिंपथी लगा करके रखोगे तो फिर तो आप कभी भी किसी भी एक पर्टिकुलर इशू के ऊपर काम कर ही नहीं पाओगे ठीक है एम्पथी क्या होता है कि जो आपकी टीम के पीपल हैं उनके शूज में आप पैर रख कर के सोच रहे हो

ओके okay. कोई कंफ्यूजन uh, यहाँ पे किसी को नेक्स्ट सोशल वर्क एज अ प्रोफेशन हेल्प्स इंडिविजुअल्स ग्रुप्स एंड टू हेल्प देम सेल्व एंड अल्टीमेटली एम्स एट ब्रिंगिंग सोशल डेवलपमेंट किसकी सोशल डेवलपमेंट हो रही है वेरी इजी क्वेश्चन एक पेशे के रूप में सामाजिक कार्य व्यक्तियों समूह और स्वयं की सहायता करने के मुझे खुद नहीं दिख रहा क्वेश्चन करने में मदद करता है और अंततः उसका उद्देश्य सामाजिक विकास लाना है किसके बीच में सामाजिक विकास लेके आना है वेरी इजी राइट क्योंकि अगर आप सोसाइटी को इंक्लूड करोगे तो सोसाइटी के अंदर तो आपकी फैमिलीज कम्युनिटीज टीम सारी की सारी चीजें आ जाएंगी ठीक है तो किसी भी समाज के अंदर आप सुधार लेकर के आना चाहते हो तो आप सोसाइटी के लिए काम कर रहे हो सोशल वर्कर का अगर हिंदी में मीनिंग देखेंगे तो वो है सामाजिक कार्यकर्ता ठीक है सोसाइटी समाज होता है हमारा तो समाज के लिए जो कार्य कर रहा है वो सामाजिक कार्य करता है तो किसके लिए काम कर रहा है सोसाइटी के लिए काम कर रहा है तो इस क्वेश्चन के बारे में तो ज्यादा किसी को बहुत थेटिकली जाने की भी जरूरत नहीं है ओके एक और बात बताइएगा क्या आप लोगों ने मैंने एक सोशियोलॉजी का एक सेशन दिया था छोटा सा जिसमें मैंने सिर्फ वेस्टर्न थिंकर्स के ऊपर और इंडियन थिंकर्स पे फोकस किया था कुछ मेन मेन नाम बताए थे मैंने तो क्या आप लोगों ने वो सेशन देखा था इट वाज हार्डली फॉर टेन मिनट्स कुछ दिन हो गए हैं उसको वो अपलोड हुआ है क्या सेशन बिकॉज इट वॉज अ रिकॉर्डेड सेशन जो मैंने दिया था एक बार प्लीज कंफर्म करिएगा नहीं हुआ है तो फिर मैं अपलोड करवाऊंगी उसको ठीक है ओके डैश आर एक्शन ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशन एंगेज इन एज अ रिजल्ट ऑफ इनपुट्स लीड टू सर्टेन आउटकम्स आउटकम किस चीज के अंदर आता है कोई भी कोई परिणाम निकलता है तो वो किस चीज़ के अंदर निकलता है कौन से एक्शन होते हैं ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है ठीक है डैश ऐसी क्रियाएँ हैं जो व्यक्ति समूह और संगठन इनपुट के परिणाम करते हैं परिणाम स्वरूप होते हैं जो कुछ निश्चित परिणामों की ओर ले जाता है हिंदी वाला ट्रांसलेशन इज टोटली इधर उधर ठीक है ओके ए प्रोसेसेस बी प्रोग्राम सी पॉलिसीज नन ऑफ द अब प्रक्रिया कार्यक्रम नीतियां उपयोगता में से कोई भी नहीं मनजीत सिंह अट्री जी सी आंसर दे रहे हैं प्रकाश जय इज गिविंग बी आंसर ओके okay. प्रतीक यादव जी आपका आंसर क्या होगा सोशियोलॉजी के पी वाई क्यू प्रैक्टिस करा हूँ वही चल रहे थे हमारे बहुत दिन तक तो मैंने तो सबसे ज्यादा सोशियोलॉजी पे ही कराया है फिर स्टूडेंट्स हो जाएंगे मैम तो यही पढ़ाती है बस आंसर सी आ रहा है Finally फाइनलीट ए प्रतीक यादव said B. Programs. Okay. तो अब आंसर आप लोगों के लिए एबीसी में से कुछ हो सकता है जो कि सारे दे ही दिए गए हैं ये तो हो नहीं सकता अच्छा मुझे एक बात बताओ छोटी सी हम लोग कभी भी फील्ड में जाते हैं ठीक है थीके? अब यहाँ पे जो स्टूडेंट फील्ड में काम नहीं कर रहे हैं वो इस चीज से रिलेट नहीं कर पाएंगे पर आप लोग जब भी फील्ड में जाते हो आप लोग पहले देखते हो कि एक कम्युनिटी की नीड्स क्या है उनकी ज़रूरतें क्या है ठीक है उन ज़रूरतों को देखने के बाद आप अपने हिसाब से फिर उस टारगेट ग्रुप के लिए पर्टिकुलर मान लीजिए एक कम्युनिटी के अंदर अगर कुछ ऐसी ज़रूरत है जहाँ पे सैनिटेशन नहीं है ठीक है और साफ सफाई नहीं रहती है लोग सोप यूज़ नहीं कर रहे हैं महिलाएँ जो हैं उनको आ, उनके पास सैनिटरी नैपकिन की सुविधाएँ नहीं हैं तो उस केस के अंदर आप एक पूरा का पूरा टारगेट ग्रुप जो है आपका वो अलग अलग बाइफ ट हो जाएगा मान लीजिए आप महिलाओं पर फोकस कर रहे हैं कि उनको सैनिटरी नैपकिन की सुविधा जो है उपलब्ध करवाई कर जाए तो उसके लिए आप अलग अलग पहले क्या बनाओगे ऑब्जेक्टिव उद्देश्य बनाओगे जिसके अंदर ये हो सकता है पहले कि आप सब मिलकर के इंडिविजुअल ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन मिलकर के एक ऑब्जेक्टिव बनाएंगी जिसके हिसाब से उनको एजुकेट करना होगा उनके मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए या उन तक कैसे ये सर्विसेस पहुँचाई जाए इसके ऊपर सोल्यूशन निकाले जाएंगे तो जब वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाते हैं तो उसके क्या रिज़ल्ट निकल कर के आए हैं वो उसके आउटकम्स होते हैं ठीक है वो उसके आउटकम्स हैं।, हैं तो यही रीज़न है कि यहाँ पे कोई भी अगर हम प्रोग्राम को लॉन्च करते हैं जो कि सही आंसर है तो प्रोग्राम लॉन्चिंग के टाइम पर कोई भी रीज़न अगर होता है उसका तो यही होता है कि सारे इंडिविजुअल ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर के एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया है लोगों की नीड्स को पूरा करने के लिए और वो आउटकम बेस्ड होता है कि जब भी वो प्रोग्राम ख़त्म हो तो कुछ ना कुछ आउटकम जो है वो निकल कर के आए कुछ ना कुछ रिजल्ट जो है वो उसका हो ठीक है तो आंसर यहाँ पर प्रोग्राम होगा एंड दिस वॉज अ सॉर्ट ऑफ कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन इन दिस केस ठीक है और प्रोसेस आंसर नहीं है इसका जितने भी आप चीज़ें प्रोग्राम के अंदर कर रहे हो वो सारी एक एक स्टेप आपका प्रोसेस है ठीक है लेकिन ओवरऑल नाम जो आप बोलोगे वो प्रोग्राम होगा उन्हीं प्रोग्राम के बेसिस पे जो है वो पॉलिसीज़ बनती हैं इसीलिए पॉलिसीज़ नहीं हो सकता आंसर पॉलिसी जो है वो बहुत बड़े स्केल के ऊपर है लेकिन जब तक आप किसी भी चीज़ का आउटकम निकालने की कोशिश नहीं करोगे ठीक है तब तक वो प्रोग्राम सफल नहीं हो सकता ओके तो इसीलिए आंसर जो है यहाँ पर प्रोग्राम होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्टीन सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल साइकोलॉजी मैंने सोशल साइकोलॉजी को यहाँ पे इसीलिए डाला है कि एक तो ये सोशल साइकोलॉजी जो है हम सोशोलॉजी में भी यूज करते हैं बट इतना इफेक्टिवली नहीं होता वहाँ पे ठीक है लेकिन अगर हम सोशल वर्क में देखें तो सिंस वी आर लुकिंग एट काउंसलिंग परस्पेक्टिव ऑल्सो बेसिक्स ऑफ साइकोलॉजी ऑल्सो तो हम लोगों को इस हिसाब से सोशल साइकोलॉजी जो है यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कैसे सोशल कंटेक्स के अंदर साइकोलॉजी जो है वो यूज हो रही है कम्युनिटी में भी ठीक है तो आप यहाँ पे आपसे यही पूछा गया है कि इसमें से कौन सा है जो सोशल साइकोलॉजी में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता है ठीक है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मनोविज्ञान में योगदान नहीं है पहला है कम्युनिकेशन दूसरा है ग्रुप टाइम मैनेजमेंट सॉरी ग्रुप डिसीजन मेकिंग एंड देन थर्ड इज टाइम मैनेजमेंट एंड डी इज एटीट्यूडनल चेंज आंसर इज कमिंग सी बी सी मोर पीपल और बताओ जल्दी जल्दी बताओ और क्या आंसर हो सकता है hmm? मैनेजिंग टाइम तो सी ऑप्शन है प्रकाश झाजी <coughs> अच्छा एक सिंपल सी बात है ठीक है सोशल साइकोलॉजी साइकोलॉजी जनरली एक इंडिविजुअल के ऊपर फोकस करता है सोशल जो है वो सोसाइटी के ऊपर है तो एक सोसाइटी के अंदर किसी एक इंडिविजुअल का बिहेवियर कैसा है ये चीज सोशल साइकोलॉजी बोलती है तो अगर आपको सोशल साइकोलॉजी का मीनिंग पता होगा तो कंफ्यूजन कोई होगा ही नहीं क्योंकि जो मैनेजिंग टाइम है यहां पे मैनेजिंग टाइम जो है वो एक इंडिविजुअल एस्पेक्ट है कि कोई भी व्यक्ति अपने टाइम को कैसे मैनेज कर रहा है ठीक है ग्रुप की बात तो नहीं लिखी ना ग्रुप टाइम मैनेजमेंट तो नहीं लिखा ना यहाँ पे ओके तो कम्युनिकेशन जो है आपका वो आप हमेशा एक इंसान जो है दूसरे इंसान से करेगा या ग्रुप ऑफ पीपल के साथ करेगा तीन से ज्यादा लोग होंगे तो पूरा ग्रुप बन जाएगा राइट तो कम्युनिकेशन तो मोस्टली दो लोगों के बीच में हो रहा होता है अगर हम यहाँ पे सोशल वर्क की बात करते हैं हाउ एवर दे इज वन टर्म इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन ऑल्सो जो आपका खुद से होता है बट यहाँ पे हम जनरल टर्म में कम्युनिकेशन को क्यों यूज़ करते हैं सोशल वर्क में ताकि हम लोग इशूज को रिजोल्व कर सके ठीक है तो ग्रुप डिसीजन मेकिंग जो है वो भी आपका सोशल सोसाइटी के परस्पेक्टिव से आप देखोगे कि बहुत सारे लोग इसके अंदर इंडल्ज है एटीट्यूडल चेंज हमें कब लेकर के आना होता है हमें तब लेकर के आना होता है जब कम्युनिटी के अंदर हम पूरे के पूरे टारगेट ग्रुप के ऊपर काम कर रहे हैं हम चाहते हैं कि उनकी प्रैक्टिस के अंदर कुछ ना कुछ चेंज हो पहले एटीट्यूड में चेंज आएगा फिर वो उनके बिहेवियर के अंदर वो चीजें आती हैं ठीक है थीके? तो वो सारे के सारे अगेन एक लार्ज स्केल पे काम करता है ये भी यही रीजन है कि टाइम मैनेजमेंट जो है एक सोशल साइकोलॉजी का एस्पेक्ट नहीं है यहाँ पर आंसर जो होगा वो सी होगा यानी कि मैनेजिंग टाइम ओके ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है इसका एक्सप्लेनेशन भी है यहाँ पर स्क्रीन ले लेना Which वन ऑफ द following इज नॉट एन यूनाइटेड Nations आइडेंटिफाइड प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग विद द एल्डरली आंसर आप लोग बहुत आराम से दे पाओगे इसका निम्नलिखित में से कौन सा बुजुर्गों के साथ काम करने का संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त सिद्धांत नहीं है पहला है इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता दूसरा है पार्टिसिपेशन यानी कि भागीदारी तीसरा है केयर देखभाल चौथा है सिंपथी कुछ ऑप्शन है जायज है होंगे होंगे ठीक है और ये क्वेश्चन का आंसर अगर आपको ये भी नहीं पता ना कि यूनाइटेड नेशन ने कौन-कौन से प्रिंसिपल्स आइडेंटिफाई करे हैं सिंपथी प्रकाश जी सीरियसली नो <laughs> ओह माय गॉश एल्डरली एल्डरली ध्यान से देखो एल्डरली लिखा हुआ है मैंने अभी कुछ टाइम पहले भी ये क्वेश्चन हम लोगों ने 2019 का जो हम कर रहे थे उसमें हम लोग ऑल ऑफ द अबव द मोस्टली जगह लगा देते हैं पर लेकिन लोग बाकी के ऑप्शंस क्यों नहीं देखते हो आप लोग कि एबीसी ऑप्शन क्या है इंडिपेंडेंस आंसर है इसका देखो पहली बात तो वर्किंग विद एल्डरली की बात हो रही है एल्डरली के लिए बात नहीं हो रही है कि एल्डरली क्या करना है ये बात नहीं हो रही है सोशल वर्कर को एल्डरली के साथ क्या करना है ये बात हो रही है ठीक है वर्किंग एल्डरली क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो ठीक है तो वर्किंग एल्डरली में इंडिपेंडेंस कैसे आ सकता है नहीं सिम्पति नेगेटिव नहीं है वर्किंग विद द एल्डरली के अंदर इंडिपेंडेंस नहीं आएगा आप इंडिपेंडेंट होके कैसे काम कर रहे हो उनके साथ आप उनके साथ मिलके उनके साथ काम कर रहे हो इसीलिए पार्टिसिपेशन जो है वो आंसर है इसका ठीक है केयर जो है वो भी आ जाता है इसके प्रिंसिपल्स के अंदर सिंपति जो है वो भी आ जाता है कि आपको उनका ध्यान रखना पड़ेगा उनके साथ एक सहानुभूति रखनी पड़ेगी सिंपती रखनी पड़ेगी कि क्या ऐसा हुआ होगा कि उनको अलग से किसी ओल्ड एज होम में जाके रहना पड़ रहा है या फिर अगर उनका कोई एक्सप्लोटेशन हो रहा है तो क्यों हो रहा है सिंपथी उस केस में आपको रखनी पड़ेगी ठीक है तो इंडिपेंडेंस जो है वो इसका आंसर है अब देखते हैं कि क्या क्या प्रिंसिपल्स आइडेंटिफाई करे करेगा माय oh मैंने गलत बता दिया क्या दिस इज फनी पार्टिसिपेशन आंसर था मैं खुद अपनी स्लाइड नहीं देखी ओके आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दिस थिंग आई कैन नॉट इवन डिलीट दिस पार्ट ओके okay, तो यहाँ पे आपको सेवरल प्रिंसिपल्स दे रखे हैं सबसे पहले यहाँ पे इंडिपेंडेंस है अब आप जो कंफ्यूजिंग वाली बात कर रहे थे डी ऑप्शन आप कह रहे हो अच्छा सिंपथी पार्टिसिपेशन केयर सेल्फ सेल्फिल डिग्निटी ओके ये प्रिंसिपल्स जो हैं विच इज फाइन ठीक है मैंने खुद इनको ढूंढ के निकाला था पर सिम्पथी जो आंसर वो होना चाहिए तो ये वाली बात

पर एक बार इस चीज़ को मैं फिर रिकनफर्म कर कर के आऊँगी और एक काम करिएगा कि आप लोग अपनी साइड से भी देखिएगा बिकॉज बींग अ सोशल वर्कर मैं खुद हूँ और मुझे ये बात पता है कि हम लोग जब भी एल्डरली के साथ काम करते हैं जो हमने प्रिंसिपल्स पढ़े हैं उसके अंदर हम लोगों को सिम्पथी उनके साथ रखनी पड़ती है ठीक है और मैंने भी इंडिपेंडेंस ऑफ ओल्ड पीपल ही सोचा था बट वर्किंग विद एल्डरली केस के अंदर आप लोग कभी भी इंडिपेंडेंस को कैसे लेकर के आ सकते हो या तो आप उनके अंदर उस चीज़ को डिवेलप कर रहे हो हिंदी में भी ये है हिंदी के अंदर ठीक है तो लेट्स री दिस थिंग ठीक है इस क्वेश्चन को मैं स्लाइड में से हटा करके भेजूंगी या फिर मैं डाल के भेजूंगी अगर तो आप प्लीज उसका प्लीज रीड द क्वेश्चन अगेन देन इट वुड बी इजी तो क्वेश्चन के अंदर यही पूछा गया है कि कौन से प्रिंसिपल्स हैं वन ऑफ द प्रिंसिपल नॉट आइडेंटिफाइड पूछा गया था ठीक है जो कि यूनाइटेड नेशंस ने आइडेंटिफाई नहीं करा वर्किंग विद द एल्डरली के केस में तो वर्किंग विद द एल्डरली इज आल्सो इन दिस केस की कौन काम कर रहा है एल्डरली के साथ ये भी तो एक पॉइंट बनता है यस यस आई नो कि इंडिपेंडेंस का मीनिंग उसमें जो था उनके अंदर इंडिपेंडेंस को डेवलप करना था लेकिन सिंपथी जो है वो हमेशा उसका पार्ट रहा है तो आप अगर देखोगे ना तो कॉन्फ्लिक्टिंग है एक तरह से हम लोग जो पहले 2019 के पेपर को सॉल्व कर रहे थे उसमें कितनी बार सिंपथी जो है ऑप्शन आया है और हम लोग ऑल ऑफ द अबव लगाते हुए जा रहे थे उस केस के अंदर और यहाँ पर जो अब है वो ऑप्शन नहीं है तो मे बी द पॉइंट इज़ कि ईजीनेस वाली बात जो यहाँ पर बोली गई है ठीक है जो यहाँ पे संध्या त्रिपाठी ने बोला है कि आप क्वेश्चन को रीड करो तो आई बिलीव कि मेरी साइड से ये मिस्टेक हुआ है इस केस के अंदर कि मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि मुझे यूनाइटेड नेशंस के ही प्रिंसिपल के ऊपर ध्यान देना है ये नहीं देखना है कि मेरा जनरल एट्रीब्यूट उसके अंदर क्या बोलता है या मैंने पहले क्या देखा ठीक है तो दूसरी बात ये है कि यहाँ पर यूनाइटेड नेशन्स वाला अगर हम देखेंगे तो उसके हिसाब से आंसर जो है उसका वो सिंपती ही होगा और दिस इज़ समथिंग फैक्चुअल नाउ इन दिस केस बिकॉज अगर आपको पता हुआ कि यूनाइटेड नेशंस ने कौन कौन से प्रिंसिपल्स दिए थे तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो दिया जाता हाँ एग्जैक्टली exactly. सिम्पेथिक माइड भी पर देर देयर पर क्वेश्चन जो UN specific स्पेसिफिक कहा है एग्जैक्टली तो यही क्वेश्चन को वापस से रीलीट करके आंसर जो है पता लगता तो आप लोग ये वीडियो देखेंगे बारा भी देखोगे तो आपको पता है कि कौन सा पार्ट जो है ओमिट करना है ठीक है मैं यहाँ पे किसी को बोलूँगी नहीं कि मेरी वीडियो को एडिट कर दो आप लोग क्योंकि यहाँ पर मिस्टेक तो मेरी साइड से हुआ है कि मैंने यूनाइटेड नेशन्स जो है उसको ध्यान से नहीं देख करके भी आंसर दिया और अपने साइड से एक परस्पेक्टिव लगा दिया उसके अंदर ठीक है तो ये जो क्वेश्चन मैं आपको भेजूँगी इसके अंदर मैं एडिट करके आपको वापस से भेज कि इसमें आंसर जो है सिंपथी होगा ठीक है इसके बाद एक और क्वेश्चन बाकी है उसको भी सॉल्व करते हैं लास्ट क्वेश्चन चलो फिफ्टींथ अ लीडर हु टू रन द ऑर्गेनाइजेशन ऑल बाय हिमसेल्फ नेता जो संगठन को अकेले चलाना चाहता है आपको डिफरेंट अथॉरिटीज के टाइप पता है ठीक है एक अथॉरिटी का टाइप आपने मैक्स वेबर का भी पढ़ा था बट लेकिन वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा <coughs> <coughs> तो यस ऑटोक्रेटिव लीडर जो है वो इसका आंसर है यानी कि निरंकुश नेता तो एक ऑथोरिटेटिव लीडर या फिर ऑटोक्रेटिव लीडर हम जिसको बोलते हैं अथॉरिटेटिव अब जो भी स्पेलिंग है इसकी ठीक है अथॉरिटेटिव लीडर का जो होता है ऑट्रीब्यूट यही होता है कि वो किसी की बात नहीं सुनता उसको बेसिकली एक तरह से तानाशाही करनी होती है अपनी बातें ही चलानी होती है और सिर्फ अपने हिसाब से ही काम करना होता है बट अगर आप डेमोक्रेटिक लीडर को देखोगे तो डेमोक्रेटिक लीडर अपने आप के अंदर एक वर्ड जिसमें लोकतंत्र आपका आ रहा है ठीक है तो यहाँ पे क्या होता है कि लोग ही उसको चूज कर रहे हैं वो लोगों के लिए ही काम कर रहा है लोगों से पूछ के काम कर रहा है उनके ओपिनियन जो है एग्जैक्टली exactly किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया के जो लीडर है बेसिकली uh, वो ऑटोक्रेटिव लीडर है ठीक है वहाँ पे डिकटे डिक्टेटरशिप चलती है और उस डिक्टेटरशिप के अंदर वो किसी को भी अपने हिसाब से काम करने नहीं देते तो वहाँ पे डेमोक्रेसी तो वैसे भी नहीं है लेकिन सबसे फनी बात है कि उसको रिपब्लिक ऑफ कोरिया बोला जाता है जो बेसिकली दो रिपब्लिक कहाँ से आई डोंट अंडरस्टैंड ठीक है उसके बाद आपका है फंक्शनल लीडर फंक्शनल लीडर जो है आपका वो सारे के सारे आपके एस्पेक्ट्स पे फोकस करेगा जितने भी फंक्शंस है तो बेसिकली एक डेमोक्रेटिक लीडर जो है वो फंक्शनल लीडर भी हो सकता है ठीक है और साथ में क्रिएटिव लीडर भी हो सकता है लेकिन एक ऑटोक्रिएटिव लीडर जो कि निरंकुश नेता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम इन तीनों में से कुछ भी नहीं होगा क्योंकि उसको हमेशा सारी की सारी चीज़ें अपने हिसाब से करनी होती है और क्रिएटिविटी का मतलब आपको पता है कि जो नए आइडियाज़ को जनरेट कर सके क्रिएटिव लेकर के आ सके वो आपका यहाँ पे क्रिएटिव लीडर है हेलो लाल चंद आई एस इंडियन जी आपकी फर्स्ट क्लास है आप फर्स्ट क्लास में आए हो मैंने फर्स्ट क्लास आपकी फर्स्ट क्लास में कुछ कबाड़ा कर रखा है मैंने <laughs> तो आप लोग देखोगे उसको कि मैम ने क्वेश्चन जो है वहाँ पे थोड़ा सा ग्लिच करा हुआ है तो आई रियली अपोलॉजाज फॉर दैट थिंग नेक्स्ट टाइम से अगर मैं कोई भी क्वेश्चन लेकर आ रही हूँ तो आई विल मेक श्योर कि मैं उसको दो तीन बार रीड करूँ क्योंकि टू बी प्रोसाइज ये स्लाइड जो थी मैंने रीड नहीं की थी और मैंने इसको निकाल के सीधा कॉपी पेस्ट किया था ठीक है और यूनाइटेड नेशंस के जो प्रिंसिपल थे वो मैंने नहीं पढ़े हुए थे और ये रीज़न था कि मैंने अपना जो जनरल उसमें एक्सपेक्ट लगाया क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम बिकॉज क्वेश्चंस को मैं जनरली खुद ही सॉल्व करती हूँ तो उसके अंदर जो आंसर था वो गलत हो गया ठीक है तो आई रियली अपोलॉजाइज टू ऑल ऑफ यू फॉर दिस थिंग तो इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि मैंने उसको चेंज कर दिया है तो पी जो आपके पास आएगा वो उसमें आंसर जो है सिम्पत् ही लगा हुआ आएगा ओके सर जैसे बुक फॉर सेकेंड पार्ट देर इज़ नो बुक फॉर सेकेंड पार्ट लेकिन अगर आप सेपरेटली पढ़ना चाहते हो तो सेपरेटली आप सोशलॉजी क्रिमिनोलॉजी और सोशल uh, वर्क तीनों के लिए आप इग्नू का जो कंटेंट है वो आप प्रेफर uh, कर सकते हो और उसके लिए भी आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी पड़ेगी कि इग्नू के कंटेंट के अंदर आपको बहुत सेलेक्टिव होना पड़ेगा बिकॉज बहुत सारी चीज़ें जो हैं बेसिक से भी स्टार्ट नहीं हुई हुई हैं कुछ चीज़ें हमें अपने ग्रेजुएशन की भी देखने की ज़रूरत है जो सोशोलॉजी की या सोशल वर्क की है ठीक है और क्लास का जो टाइम है वो सुबह ग्यारह बजे से होता है यहाँ पर ओके और मंडे टू सैटरडे होती है क्लास ठीक है तो बाकी स्टूडेंट्स के साथ अब मैं एक बजे मिलूंगी आज हम लोगों की जो पेड क्लास है वो दो घंटे की है तो प्लीज़ उसी के हिसाब से प्रिपेयर होकर के आइएगा अगर आपको दो घंटे पूरा आप नहीं बैठ पा रहे हो तो आप रिकॉर्डेड बाद में देख लीजिएगा जितना आप देख लोगे उसके बाद तो हम लोगों को उसके अंदर अपने इंडियन थिंकर्स को आज खत्म करना है लाइक मोस्ट ऑफ टाइम तो नहीं हो पाएंगे पर एम एन श्रीनिवास तक वी आर प्लानिंग टू कंप्लीट ओके बाकी का जो है पेड बैच चल रहा है लालचंद जी यहाँ पे ठीक है नहीं नहीं एक बजे है टाइमिंग एक बजे से ही है ओरिजिनल और एक से तीन चलेगा ठीक है ओके सी यू गाइस बाय बाय टेक केयर